हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनके लिए लेके आ रखा हूँ उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके 2022 का। तो दोस्तों, ये जो बुक का कोड है आपका, ये है BAHI101 और बुक का नाम है आपका, वो है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के आंसर मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई अभी तक, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी जिसमें आपको 4 क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, जो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, अब हम इसका जो आंसर है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी आपकी, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने स्वर्ण युग माना है। यही कारण है कि गुप्त युग की सांस्कृतिक विशेषताएं दूसरे युगों के लिए आदर्श बनी। और उसके बाद जो है, इसी में जो आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा वो आपको डालना है, वो हो जाएगा आपका महान सम्राटों का युग। तो जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे, उसमें आपको लिखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त इस युग के महान शासक थे। स्मुद्रगुप्त द्वारा की गई महान सैनिक विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, आर्थिक संपन्नता का युग। जैसे ही आप ये हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि गुप्त काल में आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी। आंतरिक शांति, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था तथा यातायात की समुचित व्यवस्था के कारण भारत के आंतरिक तथा बाह्य व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। गुप्त काल में भारत के चीन, जावा, म्यांमार तथा रोम आदि देशों से व्यापारिक संबंध थे। उसके बाद इसी में जो है आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, धार्मिक सहिष्णुता का की स्थापना। तो जैसे ये हेडिंग डालेंगे आप, इसमें आपको लिखना है कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, परंतु वे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी आदर करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार उपासना तथा पूजा पाठ की स्वतंत्रता थी। उसी के बाद इसमें जो है नेक्स्ट हेडिंग है, वो है आपकी लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसमें आपको लिखना है, गुप्त काल के शासक केवल निरकुंशता में ही विश्वास नहीं करते थे, वरन उनके अंदर लोक कल्याण की भी भावना थी। चीनी यात्री वाहन के यात्रा विवरण से स्पष्ट हो गया है कि गुप्त सम्राट राज्य की आयु का एक विशाल भाग जन या लोक कल्याण में खर्च करते थे। उसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट हेडिंग है, वो है विज्ञान का विकास। तो इसमें है आपका, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल शास्त्र का इस काल में अपूर्व विकास हुआ था। दशमलव प्रणाली की खोज इस काल में हुई थी। आर्यभट्ट, वराह मिहिर तथा नागार्जुन जैसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक तथा खगोल शास्त्री इस काल में ही हुए थे। उसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट हेडिंग है, वो है साहित्य का अपूर्व विकास। तो इसमें है आपका,
गुप्त काल में साहित्य का अपूर्ण विकास हुआ। कालिदास, विशाख दत्त तथा हरिशयण इस काल के महान साहित्यकार थे। फिर इसी में जो है नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ललित कलाओं का अपूर्व विकास। तो इसमें आपको लिखना है कि गुप्त काल ललित कलाओं का भी स्वर्ण युग माना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त काल भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतीक देखने को मिलते हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर बोधगया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। चित्रकला का भी इस युग में अपूर्व विकास हुआ। अजंता की गुफाओं के अधिकांश चित्र इस युग में ही बनाए गए थे। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी तथा फ्रेस्को चित्रकारी परिष्कृत कला के उदाहरण है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेक्शन नंबर ए का। उसके बाद हमारा जो है सेक्शन बी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी सेक्शन बी का, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका आंसर। तो अगर आपने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। या तो लास्ट में आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पे क्लिक करके भी आप जो है वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि जब कभी भी मैं आपके लिए सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर लेके आऊँ तो उस टाइम जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।